अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अमलियात सीखना चाहते हैं या आमिल बनना चाहते हैं तो मदरसा फातिमतु ज़हरा लिल बनात से मदद हासिल कर सकते हैं। अमल, अमलियात, मोकलात, परी की मालूमात हासिल करने के लिए आपको अमल तो करना ही होगा। आज एक परी की मलका का ख़ास अमल मैं आपको समझाऊंगी, इसके आमिल बनने का तरीका आपको बताऊंगी। सबसे पहले अहदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर और गुरूर होगा। राई गंदम के दाने से भी छोटी है, अगर उससे भी कोई और छोटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान खसारे में है। अपने अंदर तकब्बुर करके, अपने अंदर गुरूर करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ही दुखाते, उनको तकलीफ़ ही पहुँचाते। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है ना। हम जब क़यामत में जब हम सब मर जाएंगे, कहना तो नहीं चाहती लेकिन बरहक है, जब हम सब मर जाएंगे तो सब अपने अपने नबियों के साए झंडे तले होंगे, तो फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले होंगे इंशाल्लाह। तो फिर गुरूर तकब्बुर ना करें प्यारे बहन भाइयों, नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। हम उम्मती हैं उनके प्यारे। परी मलका एक खूबसूरत अमल, ठीक है, कई तूश परी का नाम है, ठीक है। अब इसको हाथों पर हाजिर करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ तक के नाखून यानी अंगूठे के नाखून के ऊपर भी इसकी हाजिरी आसानी से की जा सकती है, लेकिन आपको आमिल बनना पड़ेगा। इसका लफ्ज़ पहले सुन लें, गौर से सुन लें। वक्त रात का बेहतर है, तीन वक्त मैं आपको बताती हूँ, तहज्जुद, रात, इशा, इन तीन वक्त में ये अमल कर लीजिएगा। दिन नौ चंदी जुमेरात लाजिम है, नौ चंदी जुमेरात, नौ चंदी इतवार, नौ चंदी पीर, नौ चंदी इतवार, यानी इस्लामिक महीनों के हिसाब से जो उनसे दिन है उन दिनों में आप ये अमल करें। परहेज़ हाजरात में, एक भाई ने पूछा था कि बाजी आप परहेज़ नहीं बताते, हाजरात में परहेज़ इतना नहीं होता, लेकिन शर्त यह है कि आप अमल हमसे पूछ कर करें, तो ताकि हम दुआ खैर भी कर दें, हिसार भी कर दें और आपकी मदद भी कर दें। एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ है अज़्ज़मतु अलैकुम वक़्सम्तु अलैकुम, ठीक है, गौर से सुन लें। अज़्ज़मतु अलैकुम वक़्सम्तु अलैकुम, ठीक है, जैसा जैसा जैसा, तरसन तरसन तरसन, हाजिर मित हाजिर शो। फिर गौर से देखें, अज़्ज़मतु अलैकुम वक़्सम्तु अलैकुम, जैसा जैसा जैसा, तरसन तरसन तरसन, हाजिर मईत हाजिर शो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की लिखने की, अगर फिर भी मेरी आवाज़ से आपको समझ आ जाएगी इसलिए मैंने बोलकर बता दिया। काजल, कोई सा भी काजल हो, सरसों का तेल, एक एक ड्रॉप, एक कतरा सरसों का तेल लें, काजल के ऊपर थोड़ा सा तेल जो सा है अगर आप डालें तो वो एक रहनुमाई का काजल, रूहानियत का काजल तैयार हो जाएगा। अब उसके ऊपर 33 मरतबा अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ सूरह कौसर पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने जब ये अमल आपने कर लिया ना, अब काजल भी आपने तैयार कर लिया, जो आपने दुआ याद करनी थी वो भी आपने सुन ली, नक्श आप अपनी बाजू पर बांध लें, बिल्कुल इसी तरह नक्श बना कर ना, बेशक इसकी फ़ोटो कापी करवा कर भी अपने बाजू पर बांध लें। जब ये अमल के आमिल बन रहे हैं ना, अमल कर रहे हैं परी की हाज़िरी का अमल, कैद का नहीं, ग़ुलाम का नहीं, काबू का नहीं, ठीक है, सिर्फ हाज़िरी का अमल। जब परियों की मलका हाजिर होती है ना, वो खुश होती है, आप उनसे कोई भी बात पूछ सकते हैं, कोई भी बात कह सकते हैं, इसके बारे में लास्ट में बात की जाएगी, आखिर में बात की जाएगी। आंखों को बंद
होना ज़रूरी है। जब ये अमल पढ़ रहे हों तो तब आँखों को बंद कर लें। आपने सूरह कौसर को 3 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद 1 मरतबा इस अज़ाइम को पढ़ना है, ठीक है। तो फिर इस दुआ को पढ़ने के बाद, ठीक है ना, आपने परी का नाम लेना है कैतूश, ठीक है। जब हाजिर शू कहेंगे ना, कैतूश बोलेंगे। फिर 3 मरतबा आपने सूरह कौसर को पढ़ना है, फिर इस एक दुआ को पढ़ना है, उसके बाद हाजिर शू जब कहेंगे कैतूश को बुलाएंगे, ठीक है। ये 3 मरतबा का ये अमल है, ये 3 मरतबा आपने दोहराना है। अब आपने अगर खुद को, खुद परी को देखना है तो फिर काजल सरसों का, सूरह कौसर का बना हुआ आपके पास हो, हाथ की हथेली पर आप जो इंसा है उसको लगा सकते हैं गोल दायरा बनाकर, नहीं तो नाखून पर लगा लें, यानी अंगूठे के नाखून पर भी आप लगा सकते हैं, परी अंगूठे के नाखून पर भी हाजिर हो जाती है, ठीक है। आंखों को बंद कर लें, रोशनी आपके कमरे में जहां अमल कर रहे हो वहां पर इतनी हो जैसे एक कैंडल यानी मोमबत्ती या 0 पावर का बल्ब, ठीक है, इतनी सी रोशनी हो और खामोश हो। तहज्जुद का टाइम रखेंगे ना फिर बहुत, एक तो बाबरकत है और अल्लाह पाक दुआएं भी कबूल करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हाजिर भी हो जाती हैं। अब आपने फालतू बात कोई नहीं करनी, आप किस मकसद के लिए उन्हें बुला रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी बहन भाई का काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या मसला है, किसी ने जादू वगैरह तो नहीं करवाया, आप बता सकते हैं, वो आपको बता देंगी। फिर क्योंकि हम जैसे अल्लाह की मखलूक है ना, इसी तरह अल्लाह पाक ने बहुत सारी दुनिया बनाई हुई है, इसी तरह परियां भी अल्लाह की मखलूक में से हैं, ठीक है। हाथों पर भी हाजिर हो जाती है और नाखून पर भी हाजिर। आपने जो बात इनसे पूछनी है, एक बात याद रखें, गुनाह की बात से दूर रहें, बाबरकत पाक परियां होती हैं, परियां यानी मुसलमान जिन्नी है, ठीक है ना, परियों का मतलब खूबसूरत मखलूक, ठीक है। तो आपने कोई गलत बात इनसे नहीं पूछनी, आपने हमेशा अदब व एहतराम से इनको सलाम करना है, करने के बाद आपने बात करनी है, जो भी मसला है आप इनसे पूछें और इनसे वो दुआ पूछें जिससे वो मसला हल हो जाए। तो परी आपको तोहफे के तौर पर जो दे, चाहे वो पैसे हो, दौलत हो, कोई भी चीज़ हो, उसको संभाल कर रख लें। वो सिर्फ़ आप ही को नज़र आ सकती है, किसी और को कभी भी नज़र नहीं आती। उसकी हिफाजत करें। अगर फ़र्ज़ करें किसी के पास रिस्क नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, तब भी आप पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा ज़िक्र या कौन सा ऐसा अमल हम करें जिससे ये चीज़ ठीक हो जाए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद करेगी। आप दुआ करें बशर्ते अल्लाह के हुक्म से हर काम अल्हम्दुलिल्लाह वो करती है, ठीक है। गलत अमलियात का इस्तेमाल करना ज़ालम लोगों का काम है। अमल अगर मैं आपको समझा रही हूँ, अमलियात में अगर आपको सिखा रही हूँ, गलत इस्तेमाल ना कीजिए, बस इतनी सी बहन की रिक्वेस्ट है। गलत इस्तेमाल किया नहीं और अमल ख़राब हुआ नहीं, दोबारा एक दफ़ा आपकी रूहानियत गलत इस्तेमाल से चली गई ना, आपकी रूहानियत कुछ भी कर लें दोबारा वापस आने वाली नहीं है। याद रखें, आँखों को बंद करके हमेशा अमल करें, क्योंकि रोशनी आँखों के दरमियान से ही शुरू होगी। जब रोशनी ज़ाहिर होने लगे, परी खुद ब खुद आँखों में भी नज़र आने शुरू हो जाएगी, फिर वो उतर कर, आँखों से उतर कर आपके हाथ पर हाजिर हो जाएगी, जहाँ पर काजल सरसों के तेल का बना होगा। सरसों का एक बूंद या एक कतरा सरसों का काजल के अंदर सरसों का तेल डालें, और जो सूरह कौसर है उसको मैंने आपको बताया 33 मरतबा पढ़ना है, बिल्कुल उसी तरह अमल करें, खुराब ना किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती मुझसे पूछ सकते हैं, अमल की तादाद में फ़र्क ना रखें, ठीक है, अच्छे तरीके से अमल कीजिएगा। अमल में गलती की किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप आमिल इस अमल का बन रहे हैं। बहुत आसान अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह परी हाजिर हो जाती है। अगर आप इस चीज़ का आमिल बन जाते हैं, ये अमल कम अज़ कम 21 दिन तक आप पूरा करें तो आप इसके आमिल भी बन जाएंगे। वक्ती तौर पर अगर आपने हाजिरी करवानी है तो किसी बच्चे पर भी करवा सकते हैं और आँखें बंद करके ख़ुद पर भी हाजिरी करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ख़ुद पर हाजिरी नहीं करवानी और इसका आमिल ही बनना है, परी को हर वक्त हाजिर करने का हुक्म देने का आमिल बनना है, फिर आप इसको 21 दिन का अमल है वो आप इसको पूरे 21 दिन तक जारी रखें, ठीक है। उसमें परहेज़ जोनसा है वो आप दूध, दही और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, कच्चा अदरक लहसुन प्याज इस्तेमाल ना करें,
पका हुआ खा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम वीडियो मदरसा फातिमतुल ज़हरा की तरफ से पेश की जा रही हैं। अगर वीडियो की समझ आती है, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें ताकि औरों की भी मदद हो जाए। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।